हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, यूएई लेबर लॉ को लेके एक और अपडेट आया है रिसेंट में ही, जो कि है लीव को लेके। तो जी हाँ, छुट्टियों को लेके काफ़ी दिन से ये बात चल रही थी कि छुट्टियों का क्या करना है, जैसे कि वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, हर चीज़ चेंज करने का है, तो छुट्टियों का क्या करेंगे, इस चीज़ को लेके काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी। तो कल ही जो यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की छुट्टियाँ हैं वो सेम रहेंगी, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं रहेगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो नया रूल है वो 2 फरवरी 2022 से चालू होगा। अभी चालू नहीं हुआ है, 2 फरवरी 2022 से ये चालू होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या होने वाला है और क्या है इस लीव में, क्या उन्होंने बताया कि कैसे क्या किसको लीव मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि दोनों सेक्टर को, यानी कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी। इसमें जो छुट्टियां है वो 5 तरह की है, जैसे एनुअल लीव हो जाता है, सिक लीव हो जाता है। तो एक एक करके मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें कितने दिन का पेड हॉलीडे है, कितने दिन का अनपेड होगा, कितने दिन का हाफ पे होगा, हर चीज उन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल लीव की, जो कि साल में एक बार मिलता है। तो अब ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात मैं एक साथ करूंगी। तो एनुअल लीव की बात करें तो पेड हॉलीडे या पेड लीव जो मिलेगा वो 1 साल होने पर 30 दिन का पेड लीव मिलेगा आपको। और अगर आपको 6 महीना हो जाता है तो 6 महीने के बाद अगर आपको छुट्टी लेना है तो पर मंथ के हिसाब से 2 दिन करके आपको पेड हॉलीडे मिलेगा। यानी कि एक एक 6 दिन के 6 महीने के बाद अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आपको 12 छुट्टियां मिलेंगी, या 7 महीने के बाद ले रहे हैं तो आपको 14 छुट्टियां मिलेंगी। तो ऐसे कैलकुलेट करके, और ये जो 2 दिन वाला छुट्टी है ये विद इन 1 साल के अंदर होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आपको ऐसे मंथली वाइज छुट्टी आप ले सकते हैं, और 1 साल हो जाता है तो आपको 30 दिन का पेड हॉलीडे मिलेगा। तो ये हो गया एनुअल लीव की बात। उसके बाद जो लीव आता है वो है मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव भी दोनों सेक्टर्स में एक ही है। तो मैटरनिटी लीव जो मिलेगा वो 60 डेज का मिलेगा। तो 60 डेज में भी जो फुल पेड लीव होता है वो 45 डेज का फुल पे मिलेगा आपको, और 15 दिन मिलेगा हाफ पे, और बाकी दिन अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो ये पूरा पूरी डिपेंड करेगा आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, जो कि अनपेड होगा। यानी कि 60 डेज का आपको एम्प्लॉयर छुट्टी देगा, 45 डेज पेड और 15 डेज हाफ पे। उसके बाद जो लीव आता है वो है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव, अगर आप फादर हैं और आपके बेबी हुआ है तो आप पैटर्निटी लीव भी ले सकते हैं, जो कि आपको 5 दिन का मिलेगा। तो 5 दिन वो बेबी के होने के बाद विद इन 6 मंथ्स आपको वो छुट्टी ले लेना है। वो आप एक साथ भी ले सकते हैं 5 दिन, या कंसेक्यूटिव डेज, या 1 महीने में 1 लिए, दूसरे महीने में 2 लिए, आपकी मर्जी है। बट 5 लीव आपको मिलेंगे, पैटर्निटी लीव आपको लेना है विद इन 6 मंथ्स ऑफ बेबी। उसके बाद जो आता है वो है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस लीव का क्या है। तो उसमें अगर आपके स्पाउस की डेथ होती है तो आपको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, और अगर डायरेक्ट किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होती है तो उसमें आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद बात आती है सिक लीव की। तो सिक लीव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक लीव है। तो सिक लीव की अगर बात करें तो टोटल 90 डेज का सिक लीव आपको मिलेगा पर ईयर। 1 साल में 90 दिन का सिक लीव आपको मिलेगा, जिसमें से होगा 15 दिन पेड होगा। 15 दिन अगर आप लीव लेते हैं तो वो पेड होगा। 30 दिन अगर आपका जाता है वो लीव तो वो हाफ पे होगा, और बाकी जो उससे ऊपर अगर जाता है तो वो अनपेड होगा। ऐसे करके इन्होंने पूरा अच्छे से डिवाइड कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिक लीव आप एक साथ 10 दिन का ले लिए, एक साथ 20 दिन का ले लिए, ऐसा सिक लीव नहीं मिलेगा। सिक लीव जो होता है जैसा होना चाहिए वैसा आपको लेना है। तो इसमें भी 15 दिन पेड, 30 डेज हाफ पे, और बाकी दिन अगर आप जितने दिन भी सिक लीव लेते हैं वो अनपेड होगा। उसके बाद बात आती है स्टडी लीव की। तो स्टडी लीव, अगर आप यूएई एनरोल्ड किसी भी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं,
तो आपको टोटल मतलब एक साल में 10 दिन का लीव मिलेगा फॉर एग्जाम और फॉर प्रिपरेशन जो भी है उसके लिए आपको 10 दिन का स्टडी लीव मिलेगा। तो ये लीव पूरा है दोनों सेक्टर्स के लिए। लेट्स सी क्या होता है, हम आशा कर सकते हैं अच्छे की। अभी तक तो जो है लीव को लेके बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ यूएई के अंदर, तो ये ऑल ओवर यूएई के लिए, सिर्फ दुबई है ऐसा नहीं है, यूएई लेबर लॉ के अंदर ये आता है, यानी कि जो सातों एमिरेट्स है सातों एमिरेट्स के अंदर ये रूल चालू होगा 2nd February से। तो लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट यही मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी चीज़ में सुधार आती है तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, यानी कि जो अभी ड्रॉबैक्स है, बहुत कंपनीज में ड्रॉबैक्स है लीव को लेके या सैलरी को लेके या पेड लीव को लेके, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है यहाँ पे, उसको सुधारना चाहती है। तो अगर सुधर जाए चीज़ें वो तो फरवरी से ही पता चलेगी कि क्या हालात हो रहे हैं मार्केट के, क्या हालात है। तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है यूएई वर्कर्स के लिए, कि जो लोग यूएई में काम करते हैं उनके लिए अगर ये छोटे छोटे अपडेट्स काम आए तो इससे अच्छी गुड न्यूज़ कुछ हो ही नहीं सकती, ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसा आप लोग क्या मानते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।